जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी तो रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर आया हूं जो कि फिगर काउंटिंग है और फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा छोटा टॉपिक है और जितने भी टाइप्स होंगे इसी वीडियो में कवर कर दूंगा एक भी टाइप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिगर काउंटिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस इसको दो तरीके से बताऊँगा एक तो आपको गिनना भी सिखाऊंगा किस प्रकार से आप आकृति को गिन सकते हैं और दूसरा तरीका रहेगा ट्रिक्स के हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों तरीका साथ लेके चलेंगे और मैक्सिमम आपको फिगर कवर करा दूंगा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको सेम ही फिगर देखने के लिए मिले अगर थोड़ा बहुत अलग भी फिगर आपको देखने के लिए आता है एग्ज़ाम में तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे काउंट करके या फिर ट्रिक लगा के ठीक है और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली फिगर ऑफ काउंटिंग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आकृतियों को गिनना तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने प्रकार की आकृति हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है नंबर वन यहां पे मैंने लिखा हुआ है नंबर वन ट्रेंगिल तो सबसे फर्स्ट प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछेगा कि ट्रेंगिल फाइंड आउट करने इट मीन्स कोई भी फिगर दे दे देगा दे आपसे पूछ लेगा उसमें त्रिभुज कितने हैं कितने ट्रैंगल हैं आपसे ट्रैंगल पूछेगा सीधा सीधा उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपसे बोलेगा कि कितने स्क्वायर हैं स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं आपसे पूछेगा सीधी सीधी कि कितने वर्ग हैं आपको वर्ग बताने हैं उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होता है आयत भी आपसे पूछ लेता है कि इसमें आयत रेक्टेंगल कितने हैं आपको रेक्टेंगल आपको बताने हैं आयत बताने हैं और चौथा मैंने यहाँ पे ये यह बनाई हुई है स्टेट लाइन तो अब एक ट्रेंड चल रहा है ना मैक्सिमम एग्जाम में ना आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक दिख रहा है देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ होता क्या है ना आजकल स्टेट लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से ये फिगर बना देता है इस प्रकार से और बोल देता है कि इसमें स्टेट इस लाइन बताइए कि स्टेट लाइन कितनी है तो मतलब आपको एक स्पर्श रेखा भी गिनना मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बहुत अच्छे से अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अपनी राय जरूर देनी है हाँ पिछली वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा गलत बता दिया था तो आपने कमेंट करके बताया मुझे अच्छा लगा बहुत छोटी सी उसमें मिस्टेक थी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो स्टेक मिस्टेक अपनी सुधार ली होगी ठीक है और इसी तरीके से रीजनिंग को मेरा टारगेट है कि आपको दो महीने से पहले ही खत्म करके कम से कम पंद्रह दिन आपके टेस्ट लगवाऊँ सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन के तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और ज़्यादा मतलब लो लेवल भी नहीं रखेंगे ठीक है तो सबसे पहले ट्रेंगिल पे जितने भी टाइप्स बन सकते हैं ना ट्रेंगिल काउंट करने के लिए वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे देखिए सबसे पहला डायग्राम है जो आपको दिख रहा है सबसे पहला डायग्राम आपको दिख रहा है क्या बना हुआ है एक ट्रेंगिल बना हुआ है क्या बना हुआ है एक त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें तो गिनने की कोई जरूरत है ही नहीं तो ये क्या है एक त्रिभुज है त्रिभुज होता क्या है तीनों भुजाओं को मिलाने के बाद जो बनता है ये होता है हमारा त्रिभुज तो आपको ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि फिगर में कितने त्रिभुज होंगे तो ये सबसे पहला एक त्रिभुज है खुद ये अपने आप में एक ही त्रिभुज है और इसका आंसर भी एक ही होगा तो आंसर इसके नीचे लिखते रहता हूं मैं तो इसका हो गया एक त्रिभुज है क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसके फाइंड आउट कर रहे हैं देखिए उसके बाद ये दूसरा डायग्राम है दूसरे डायग्राम में क्या बना हुआ है कि एक ट्रेंगिल बना हुआ है और उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं जिसको हम ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींची हुई है इसमें आपको पहले जो बता रहा हूं मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ उसके बाद ट्रिक्स भी बताऊंगा देखिए ट्रेंगल अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो एक तो हमारा ये ट्रेंगल बन रहा है इसमें एक तो ये ट्रैंगल बन रहा है ठीक है और उसके बाद एक ये छोटा वाला एक ये ट्रैंगल बन रहा है ठीक है जो भी हमारी मतलब लाइन है ना बेस लाइन किसी भी लाइन को बेस मान के आप उस पर ट्रैंगल गिन सकते हैं जैसे आपने ये लाइन बेस मानी तो इस लाइन पे एक ये वाला ट्रैंगल बन रहा है और इसी बेस लाइन पे एक ये वाला ट्रैंगल बन रहा है दो हो गए ना और उसके बाद एक ये कंप्लीट ट्रेंगिल बन रहा है दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद में ठीक है तो इसमें कितने ट्रेंगिल हो गए तीन ट्रेंगिल इसमें हो गए बात समझ में आई ट्रिक से इन सभी को भी बताऊंगा बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं देखिए अब इसमें काउंट करने के लिए बोल रहा है तो ये सिंपल से क्या आकृति है आपसे बोल रहा है कि इसमें ट्रेंगिल्स कितने होंगे तो इनको भी सभी को मैं ट्रिक्स की हेल्प से बता सकता हूँ किस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए जब भी आपको इस प्रकार की आकृति आए तो आपको क्या करना है नंबरिंग करना है वन और इधर नंबरिंग कितने करना है टू तो ये वन हो गया या टू हो गया दोनों को ऐड कर देना है ऐड होकर जो आएगा वही क्या हो जाएगा ट्रेंगिल तो इसमें कितने हो गए हमारे तीन ट्रैंग हो गए अब देखिए इस फिगर पे आते हैं इस फिगर में क्या है वन टू थ्री फोर इस प्रकार से चार आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव फोर आ रहा है तो चारों को ऐड कर देंगे चार और तीन सात सात दो नौ और एक दस तो इसमें कितने ट्रैंगल हो गए दस ट्रेंगिल हो गए इसमें गिनने की भी जरूरत नहीं है ठीक है आप आसानी से इनमें ट्रिक्स लगा सकते हैं तो आपको पता लगा कि अगर कोई भी त्रिभुज बना हुआ है अगर उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन है दो है तीन है चार है कितनी भी बड़ी हो तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे एक और मैं लाइन खींच के ट्रेंगल बना दूँ तो वो नंबर कितना आ जाएगा पाँच और इन सभी को जोड़ देंगे आप आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये ट्रेंगिल आपको फाइंड आउट करने हैं एक ट्रेंगिल इसमें है तीन ट्रेंगल इसमें है उसके बाद दस ट्रेंगिल हैं इसमें अब देखिए ये तो रही हमारी वर्टिकल लाइन मतलब जो ट्रेंगिल में इस तरीके से सीधी लाइन खींच रही थी अब उसके बाद वो मैंने एक सेम ट्रेंगल ड्रॉ किया है उसके बाद मैंने किया, किया है इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं आप ऐसे भी खड़ी लाइन थी इसमें और इसमें इस तरीके से थी अब देखिए इसमें ट्रेंगल अगर आपको काउंट करना हो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसमें ट्रेंगिल काउंट करना है तो देखिए सबसे पहले एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया ये देखिए ये ट्रेंगल हो गया सबसे पहले बड़ा वाला और इसी वीडियो में ट्रैंगल हो वर्ग हो स्क्वायर हो स्पर्श लाइन हो सारा खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं देखिए तो ये सबसे पहले एक बड़ा वाला ट्रैंगल हो गया आपको बात समझ में आई उसके बाद एक ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया और तो इसमें कोई ट्राइंगल आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसमें कितने ट्रैंगल हैं दो ट्रैंगल हैं इस फिगर में कितने हैं दो ट्रैंगल हैं इस फिगर में ठीक है तो अब उसके बाद इस पे आते हैं तो इस पे अगर आप गिनने लगेंगे वैसे गिनने को तो आप गिन सकते हैं एक तो ये छोटा वाला ट्रैंगल बन रहा है उसके बाद एक ये ट्रेंगिल बन रहा है उसके बाद एक ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें कितने हैं तीन ट्राएंगल हैं, लेकिन इनको भी हम क्या करेंगे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे देखिए कुछ नहीं करना है जब भी ऐसी लाइन आए, ये इस प्रकार से थी तो इस प्रकार से ऐड कर रहे थे अब इसमें क्या है ये बेस से गिनने लगेंगे वन टू दो लाइन है तो इसमें कितने हो गए दो ट्राइंगल हो गए क्योंकि बेस लाइन जो होती है उसी पर तो ट्रायंगल बनता है एक इस बेस लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है और एक इस बेस लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है तो यहीं से हमने अपनी ट्रिक लिखा ली और यही मेथड है इसमें कितने ट्रायंगल हो गए दो ट्रायंगल अब हम आए इस फिगर पे तो इस फिगर पे करना कुछ नहीं है एक दो तीन तीन लाइन है तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए तीन ट्रायंगल हो गए इस तरीके से ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं इन्हीं को मतलब समझते हुए हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे बहुत बड़े बड़े डायग्राम होंगे जिनको देख के अभी लग रहा होगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं अगर आप गिनने लग जाओगे ट्रैंगलिंग को कम से कम पांच मिनट ले जाओगे इसी को गिनने में और एग्जाम में इतना समय नहीं होता या तो ट्रिक लगानी होती है बहुत जल्दी से गिनने हुए होते हैं ठीक है और आपको सिलेक्शन लेना है इस बार चार चार अप्रैल का आपका एग्जाम है तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है हंड्रेड परसेंट आपको दें बाकी बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है मैं वीडियो देख रहा हूँ रेगुलर कमेंट आपकी पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा आप रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं पूरा अपना 100 परसेंट दे रहा हूँ जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सारे आपके सामने ला के रख दूंगा और बहुत जल्दी आपको संडे आने वाला संडे जो होगा उस संडे में लाइव टेस्ट रखूँगा लाइव टेस्ट लूंगा भाई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है रीजनिंग में कितने साठ क्वेश्चन के साठ क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं टारगेट साठ बाय साठ का है पचपन से कम आए तो भाई बहुत दुख होगा हमें ठीक है अब आते हैं इस प्रकार के डायग्राम पे तो आपने क्या किया कि पहले इस प्रकार के सीखे फिर उसके बाद इस इस प्रकार से जब लाइन खड़ी थी फिर लाइन इस तरीके से थी तो आपको ट्रैंगल आ गए आसानी से बहुत आसानी से कर सकते हो अब देखिए इसमें एक लाइन खड़ी भी है और एक लाइन इस तरीके से भी है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है बहुत आसान है सभी आसान है देखने में बस एक बात समझ लीजिए आप मेरे साथ देखिए आपने क्या किया सपोज करो ये लाइन हमारी नहीं होती ये दिख रहा है एक बार बताएंगे अगर हमारी ये लाइन नहीं होती ये वाली लाइन अगर हमारी नहीं होती तो सिंपल हमारी एक लाइन ऐसे आपको दिख रही है इस फिगर में ठीक है तो आपने क्या किया कि एक और दो दो और एक तीन इसमें कितने हो गए हमारे तीन ट्रैंगल हो गए आई बात समझें उसके बाद आप ये सोचिए ये लाइन यहां से आप इतने को छुपा लीजिए इस नीचे वाले को तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ मैं कर देता हूं यहां पे मैंने क्या करी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो अब आप इसमें देखेंगे एक और एक दो दो और एक तीन तो इसमें भी कितने हो गए तीन ट्रैंगल हो गए और तीन तीन ट्रेंगिल हैं इसमें पूरे में बड़े वाले में तो टोटल ट्रैंगल कितने हो गए हमारे इसमें छ्रेंगिल हो गए आई बात समझ में तो अब करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है ये बार बार इस तरीके से काउंट नहीं करना है आपको क्या करना है एक और दो दो एक कितने हो गए तीन और जितनी भी लाइन हो एक लाइन हो तो एक बार मल्टीप्लाई कर एक मतलब दो की गुणा कर देंगे दो लाइन होती तो दो तो तो बार तीन है ये तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तीन की तीन दूनी छ क्योंकि तीन इसके हो गए तीन इसके हो गए और इस प्रकार से एक और मैं लाइन खेच देता हूं अगर यहां यहां मैं अगर एक और लाइन खेच देता हूं है थीन, थीन दुन तीन है कि तीन तीन दून छः तीन तिया नौ तो फिर कितने ट्रेंगल हो जाते है? नौ ट्रेंगल हो जाते ना तो बात समझ में आई कुछ नहीं करना है सिंपल उसी तरीके से काउंट करना है काउंट करने के बाद देख लेना है कि एक फिगर ये है एक ये है और अगर एक और लाइन हो जाएगी तो तीन फिगर हो जाएंगे तो तीन तिया कितना हो जाएगा नौ उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है दो की बस और कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल सिंपल है मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और जिसको भी समझ में ना आया करें कमेंट करके बताएं यह करें बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लग रहा है आप कमेंट करते हैं कमेंट पढ़ के बाकी बहुत खुशी होती है क्योंकि लाइव तो क्लास है नहीं जो आपके साथ हम मतलब डायरेक्टली आपसे बात कर पाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है हो सकता है आगे चल के आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगें तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें देखिए अब इसको काउंट करना है अब आप इसको काउंट करना है सबसे पहले आप यहाँ पे वन लिखेंगे टू थ्री तीन दो पाँच और एक छः छः हो गया अब भाई छः तो ये हो गए लेकिन इसके बीच में एक लाइन और है तो छः इसके हो गए और छः इसके हो गए तो कितने हो गए टोटल इसमें बारह ट्रैंग हो गए निकाल पा रहे हैं ना बहुत आसानी से कितने हो गए बारह ट्रैंगल हो गए मतलब जितनी लाइन इस लाइन को काउंट नहीं करना है ये देखना है ये दो हो गए तो दो हो गए देख लिए अब आप यहाँ आते हैं देखिए एक दो तीन चार चार तीन सात दो नौ और एक दस कितने हो गए दस हो गए अब देखिए एक लाइन तो ये रही दो तीन चार तो आपको क्या करना है दस चौक चालीस तो इसमें कितने हो गए हमारे दोस्तों चालीस ट्राइंगल हो गए बात समझ में आ रही है देखिए एक तो ये था दो तीन चार मतलब ये सैम ही अगर आकृति आप बनाएंगे तो ये आकृति चार बार बन रही होगी इसी प्रकार से क्या हो गए हमारे चालीस इसमें ट्राइंगल हो गए बात समझ में आई ये सभी आपको क्लियर अब देखिए आगे चलते हैं ऐसा भी तो हो सकता है फिगर इस प्रकार का दे सकता है कि भाई वो आपको इस प्रकार का फिगर दे देगा और कंप्लीट ना मिलाएगा और आदि आदि करके ऐसे छोड़ देगा और ऐसे क्वेश्चन ना आप इनको हाईलाइट कर लेना ये कई बार एग्जाम में पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इस प्रकार के बाकी ये भी पूछे जाते हैं आपका एकदम बेस बना के लेके चल रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे अभी तो और देखना ट्रेंगिल आपको कई टाइप दिखाऊंगा ट्रेंगिल काउंट करने के देख ठीक है अब इस फिगर पे आप आए तो आपने क्या किया एक दो तीन चार पांच छह इस प्रकार से आपको पता है इन सभी को जोड़ेंगे इस जोड़ने का एक और तरीका बना दे बता देता हूँ इन सभी को अगर आपको सम करना है आपको कुछ नहीं करना है जो बड़ी वाली संख्या है उससे एक और बड़ी की मल्टीप्लाई करनी है बयालीस हो गए और दो से भाग दे देना है इसका मतलब इक्कीस इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा इक्कीस आएगा देखिए छः पाँच ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह तीन अठारह दो बीस और एक इक्कीस कभी भी क्या करना है जैसे इनको जोड़ना है चार तीन सात दो नौ और एक दस तो चार पंजे बीस बीस को दो से भाग देंगे दस इसका मतलब आ गया दस एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू ये हमारा होता है सम का एक फार्मूला होता है ठीक है बाकी आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह दो बीसर एक इक्कीस इतना भी समय नहीं है और स्पीड से करना है छः को पकड़ना है छः सत्ते बयालीस हो गए बयालीस को दो से भाग देंगे इक्कीस तो इक्कीस तो भाई हमारे इस ट्रेंगिल में हो गए अगर ये नहीं होते दो तो हमारा इक्कीस इसका आंसर आ जाता अगर ये दो आपको नहीं दिखते अब ये दो लगे हुए हैं तो इनको भी कुछ नहीं करना है बहुत आसानी से आपको यहाँ पे वन लिखना है यहाँ पे टू लिखना है और यहाँ पे भी वन लिखना है यहाँ पे भी टू लिखना है तो दो एक तीन मतलब इक्कीस थे टोटल प्लस दो रे, दो एक तीन तीन ये हो गए प्लस दो एक तीन तीन ये हो गए तो इक्कीस और छः कितने हो गए सत्ताईस ट्रेंगल हो गए भाई इसमें आसान है ना है बिल्कुल आसान है कुछ करना ही नहीं है और ये क्वेश्चंस आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं लेकिन एग्जाम में अगर आप इनको पढ़ के नहीं जा रहे हो आसान चैप्टर समझ के छोड़ के जा रहे हो तो एग्जाम में ये आपको मतलब पीछे कर देते हैं बहुत आसान होते हैं इनको काउंट करना भी मैंने बताया अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं बाकी ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं अब आते हैं हम इसकी तरफ कुछ नहीं करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स या छः सत्ते बयालीस बयालीस को दो से भाग दिया आपने कितना आ गया इक्कीस तो इसका मतलब ये है इक्कीस ट्रायंगल तो हमारे इसमें हो गए पूरे बड़े वाले में अगर ये दो लाइनें यहाँ पे नहीं ड्रा होती अब देखिए इनसे देखते हैं कितने बन रहे हैं एक दो तीन एक दो तीन तीन दो पाँच और एक छः छः ट्रैंगल तो इस लाइन से बन रहे हैं प्लस छः कर देंगे और प्लस तीन दो पाँच और एक छः छः ट्रैंगल इस लाइन से बनने तो कितने हो गए छः छः बारह बारह और एक तेरह तेरह और बीस कितने हो गए तैतीस हो गए ना तेरह बीस कितने हो गए तैंतीस हो गए तो ये बताया मैंने ट्रेंगल मतलब काउंट करने का ये टाइप फर्स्ट है अभी और एक दो तीन टाइप दिखाऊंगा ट्रेंगल ही काउंट करने के उसके बाद स्क्वायर पे चलेंगे फिर वर्ग पे चलेंगे फिर लास्ट में स्पर्स लाइन बताऊंगा फिर वीडियो का एंड करेंगे तो वीडियो को बने रहेंगे लास्ट तक देखना है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ देखिए जिनको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं सिंपल एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है और इस प्रकार से तब भी आपको ट्रेंगिल काउंट करने के लिए आना है आपको नंबरिंग करनी है और उनको ऐड कर देना है बेस्ट दो और एक तीन कितने तीन ट्राएंगल आप इस फिगर पे आए तो चार दूनी आठ ओ सॉरी चार पंजे बीस इससे अगला एक चार पंजे बीस बीस को दो से भाग देंगे तो दस आ गए आप इनको जोड़ भी सकते हैं चार तीन सात दो नौ और एक दस ट्राएंगल अगर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होती है ठीक है हॉरिजेंटल ये थी वर्टिकल अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होती है तब क्या करेंगे आप बेस से वन और टू मतलब बेस से आप इनको लाइनों को गिन लेंगे एक दो तीन अगर मैं सपोज करूं यहां पे एक और लाइन बना देता हूं ठीक है एक दो तीन चार अब इसमें ट्राइंगल कितने हो गए हमारे चार ट्रैंगल हो गए ठीक है इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं पांच बना दूंगा तो पांच हो जाएंगे इसमें एक और लाइन कितना भी बड़ा डायग्राम करते हैं कुछ नहीं करना है बस एड करते चलना है तरीका वही रहेगा ठीक है अब मैंने ये बताया आपको इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रेट लाइन भी है मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन लगाई है तो कुछ भी नहीं करना है आपको वन और टू देना है थ्री और दो और एक कितना हो गया तीन हो गया तीन हो गया अब आपने ये सोचा कि अगर ये लाइन इसमें नहीं होती तो इसमें सिंपल तीन ट्राएंगल हो जाते लेकिन ये भी एक लाइन आ गई तो आपने यहाँ हाथ रखा और इस लाइन के ऊपर वाले ट्रैंगल बनाने की कोशिश की तो तीन ट्रैंगल इसमें बन गए तो इसका क्या होता है इसका डबल कर देते हैं जितनी लाइन होंगी उतना ही कर देंगे ये एक लाइन थी तो डबल कर दिया दो होती तो तीन बार मल्टीप्लाई कर देते तो एक और एक दो तीन दोनी कितने हो गए छह ठीक है दोस्तों बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना अब हम आए इस डायग्राम पे देखिए इस डायग्राम पे क्या कर रहा है कुछ नहीं वन टू थ्री आपने दिया तीन दो पांच और एक छ्राइंगल हो गए छह दो क्या कर दिया बारह छह ये, छह बारह तो एक कंप्लीट ट्रैगल में बन रहे हैं और छह इस छोटे वाले ट्रेंगल से बन रहे हैं कितने हो गए बारह अब आप आए इस बड़े वाले ट्रैंगल पे चार तीन सात दो नौ और एक दस दस हो गया उसके बाद दस तो हो गए एक बड़े वाले ट्रैंगल के तो ये जो बेस लाइन है ना ये बड़े बड़े वाले ट्रैंगल के साथ हमने काउंट कर लिया ये वाली मतलब इस वाले ट्रैंगल में तो हो गए कितने हमारे चार तीन सात दो नौ और एक दस अब आपकी एक लाइन ये है एक लाइन ये है एक ये है एक ये है तो एक दो तीन चार दस चौक कितने हो गए चालीस हर हर मतलब बेस लाइन पे कितने दस बन रहे थे तो चार हमारी हैं एक दो तीन चार तो कितने हो गया इसका आंसर चालीस हो गए दोस्तों अब आगे चलते हैं इसमें क्या किया कि इसमें लाइनें इस तरीके से ड्रॉ हैं तो आपने पहले बड़े वाले में नंबरिंग करी तो छः सत्त्य बयालीस बटे दो इक्कीस मतलब बड़े वाले में कितने हो गए हमारे इक्कीस ट्राइंगल हो गए अब आप आए इसकी तरफ दो और एक तीन और दो और एक तीन 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 छः ये हो गए इक्कीस और छः कितना आ गया आंसर सत्ताईस आ गया इसी प्रकार से हमने इसी की देखिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो टाइप टू है मतलब टाइप वाल के पढ़ सकते हैं या फिर मैंने जितनी भी फिगर मैक्सिमम बन सकती थी ना सारी फिगर आपके साथ मैं कवर कर रहा हूँ और हो सकता है कि इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिले देखिए अगली फिगर है ये तो ये जो फिगर है मैं यहाँ एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ सपोज करो ये फिगर है ये दिख रहा होगा है ना ये दिख रहा है यहाँ तक ये फिगर बनी हुई है तो ये कितना है सिर्फ एक ट्रेंगिल है तो मैंने क्या किया है कि इसके अंदर एक और ट्रैंगल बना दिया मतलब इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक और ट्रैंगल बना दिया तो अब इसमें मैं आपसे ट्रेंगल पूछ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है देखिए अगर मैं ट्रेंगल काउंट करना सबसे पहले आपको दिखाता हूँ काउंट करके तो एक तो ट्रेंगिल ये बन रहा है दिख रहा होगा आपको दूसरा ट्रेंगिल है हमारा ये ठीक है उसके बाद तीसरा ट्रेंगिल है ये ये आपको काउंट करने भी आने चाहिए हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती है और उसके बाद चौथा ट्रेंगिल है हमारा ये तो एक दो तीन चार तो ये ट्रेंगिल बन गए और एक ट्रेंगल हो गया क्या ये है कि हमारा बड़ा वाला तो टोटल इस क्वेश्चन में कितने हो गए हमारे पांच ट्रेंगिल हो गए तो ये पांच ट्रेंगल तो हो गए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि जब कभी भी ट्रेंगिल बना हुआ होगा एक ट्रेंगिल था अगर ये भीतर नहीं बना हुआ था तो तब कितना एक सिंगल इसमें एक ट्रेंगल था और इसके अंदर अगर मैंने एक ट्रेंगल और ड्रॉ कर दिया तीनों भुजाओं को टच करते हुए तो वो क्या कर देगा चार ट्रेंगिल और बढ़ा देगा तो एक था और चार इसने बना दिए कितने हो गए पांच ट्रेंगल हो गए तो ये हमारी यहाँ से एक ट्रिक भी बन सकती है इसको कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं तो ये मैंने आपको दिखाया अभी कितने एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला पांच मतलब एक ट्रेंगल ड्रॉ करने से हमें चार ट्रेंगल और मिल गए अब देखिए आते हैं तो ये क्या है कि एक बड़ा वाला ट्रेंगल है और ये आपको गिन लिया आपने वन टू थ्री फोर तो चार ये हो गए एक बड़ा वाला टोटल इसमें कितने हो गए पांच ट्राइंगल हो गए <स्थाँग> गिन भी सकते हैं अगर आप गिनना चाहते हैं देखिए अब आपने क्या किया एक ये बड़ा वाला ट्रैंगल है ठीक है अब इसको रहने देते हैं तो इसके अंदर एक और इसकी भुजाओं को टच करते हुए ये ट्रेंगल बना हुआ है देखिए तो ये ट्रेंगल बना हुआ है तो इसका मतलब इसने कितने दे दिए इसने चार ट्रेंगल हमको दे दिए इस वाले ट्राइंगल ने अब हुआ क्या कि ये वाला ट्राइंगल तो था ही था और इसके अंदर क्या है एक और ट्रेंगिल बना हुआ है मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट करता हूं इसको देखिए एक और ये ट्रेंगल बना हुआ है इसके अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ट्राइंगल भी हमें कितने दे देगा चार ट्रेंगिल हमको दे देगा मतलब चार इसने दे दिए हमको और चार इसने दे दिए कितने हो गए आठ हो गए और एक अब हमारा ये बड़ा वाला बन ही रहा है तो टोटल इस फिगर में कितने हो गए नाइन नाइन हो हो गए नौ गए बात समझ में आई ना समझ पा रहे होंगे आप चीजों को यही आपको तरीका याद रखना है चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए इसको देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में ना अक्सर इन क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जल्दबाजी में गलत मतलब काउंटिंग कर देंगे तो आपको गलत काउंटिंग नहीं करनी है देखना है आपको देखिए अब आपने करना क्या है कि एक और आपको फिगर बनी हुई है फिगर को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे विद इन टू सेकेंड में आप सभी का आंसर कर सकते हैं इनको अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको देखिए एक बड़ा वाला ट्राएंगल है उसके भीतर एक और यह ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि तीनों भुजाओं को टच कर रहा है तो इसका मतलब चार ट्रेंगल हमको इसने दे दिए उसके बाद इसके भी अंदर एक और यह ट्रैंगल बन रहा है चार ट्राइंगल ये दे जाएगा उसके बाद यह एक और छोटा ट्राएंगल बन रहा है तो चार ट्रेंगल हमें यह दे जाएगा मतलब ए आठ चार तिया बारह और एक हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा तो टोटल ट्राएंगल कितने हो गए तेहरा ट्राइंगल हो गए इतने आसान है आकृति को देख के डायग्राम को देख के डरना नहीं है जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं ना ट्रेंगल में सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा और उसके बाद अभी चलने वाला हूँ कि इस पर स्क्वायर पर चलूंगा फिर रेक्टेंगल फिर खत्म कर देंगे उसमें कम क्वेश्चन कराऊंगा सबसे ज़्यादा ट्रेंगल पूछे जाते हैं तो जितनी भी आकृति बन सकती थी मैंने अपने द्वारा कवर किया है बाकी और, आप, और आपको मिलती है प्रैक्टिस सेट में या फिर आपकी बुक में तो आप उनको सॉल्व करेंगे अगर समझ में नहीं आती है तो आप उनको पूछ सकते हैं जो भी डाउट आता है ठीक है अब देखिए आप आए इस पर

लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक लाइन एसिड एक लाइन एसिड एक लाइन एसिड तो आप ये देखो कि एक लाइन हमें कितने दे रही है एक लाइन हमें कितने ट्राइंगल दे रही है देखिए आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी तो ये बेस लाइन यहां मान सकते हैं आप। आपने देखा कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया ट्राइंगल गिन के भी दिखा रहा हूँ ट्रिक नहीं एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया तो ओवरऑल एक फिर यह कंप्लीट बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ड्रॉ करने से हमें कितने ट्रेंगल मिल रहे हैं हमें तीन ट्रैंगल मिल रहे हैं टोटल एक दो तीन इसी तरीका से तीन तीन छ तीन नौ ट्रेंगल मिलने वाले हैं आपको जब आपको नौ ट्रेंगल और मिल जाएंगे नहीं बड़ा वाला तो हम काउंट कर चुके हैं देखिए बड़ा वाला ट्रेंगल तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी काउंट हो चुका है लाइन सिर्फ हमें दो ट्रेंगल दे रही है एक ये ट्रेंगल दे रही है और एक ये ट्रेंगल दे रही है जो बड़ा वाला ट्रेंगल है वो तो हम काउंट कर चुके हैं तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको कितने दो दो चार दो छ इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह ट्रेंगल आपको इसमें मिल जाएंगे बात समझ में आई हमने यहाँ पे तीन ट्राएंगल क्यों नहीं लिए क्योंकि एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल तो हम काउंट कर चुके हैं ना चार ट्रैंगल यही तो बन रहे थे एक दो तीन और एक ये चार ट्रैंगल हमें दे रहा था पहला वाला फिगर तो इस प्रकार से पंद्रह ट्रैएंगल इसमें होंगे तेरह ट्रैंगल इसमें होंगे नौ ट्रैंगल इसमें होंगे पाँच ट्रेंगल इसमें होंगे कोई सा भी ऐसा फिगर है तो आप टाइप और क्वेश्चन नंबर डाल के या फिर गलती से किसी का मैं गलत लिख देता हूँ नंबरिंग या बाई मिस्टेक मैं गलत बता देता हूँ तो आप मुझे जरूर उस चीज़ को मतलब बता देंगे कमेंट में मैं उसका सुधार कर लूंगा ठीक है गलती हो जाती है जैसे पिछली बार जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था तो उसमें मुझसे एक क्वेश्चन गलती से थोड़ा गलत बता दिया था मैंने तो आपको उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके मतलब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है अगर मैं कोई कमी कर रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताएंगे उसको मैं सुधार करूँगा और आपके द्वारा बताई हुई कमी से ही हमारा सुधार हो सकता है अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे जो भी मैं गलती करता हूं जो पढ़ाने का तरीका आपको जैसा भी लगता है देखिए अब आए इस टाइप के फिगर पे तो ये एक और टाइप था अगला टाइप चलते हैं इस प्रकार के फिगर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में अब आप यहां आए तो इसमें इस काउंट करके मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ तो काउंट आप करने लगेंगे तो बहुत सारे मतलब बहुत टाइम लग जाएगा सभी को बेस ले लेके वन टू थ्री फोर तो ये हो जाएंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे फाइव सिक्स सेवन मतलब इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फोर आपने लिखा तो आपको करना क्या है अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं जैसे कि फाइव ठीक है उसके बाद सिक्स ठीक है उसके बाद सिक्स हो गया ठीक है और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं अगर आप एक और देखेंगे ये बेस लाइन है इस पर एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया इसी प्रकार से अपोजिट में भी दो ट्राइंगल बनेंगे तो मतलब दो और दो चार और चार और चार, चार आठ ट्राइंगल आपके टोटल ड्रा हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको इसमें करना कुछ नहीं है अगर आपकी लाइन ये ऐसे सेंटर से मिल रही हैं बीच से पास हो रही हैं तो आपको करना क्या है वन टू थ्री फोर दोनों का डबल कर देना है चार दो नहीं आठ तो इसमें कितने हो जाएंगे आठ ट्रैंगल इसमें हो जाएंगे अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है इसमें हम ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें लाइन क्या है कि सेंटर से ये अगर लाइन हमारी यहाँ होती तब तो, तो इसमें आठ ट्राएंगल हो जाते तो इसमें हमें काउंट करने पड़ेंगे काउंट करते हैं देखिए कितने होते हैं एक दो तीन आपने देखा सबसे पहले एक एक फिगर को मिला के एक ट्राएंगल ये हो गया उसके बाद एक ट्राइंगल ये हो गया दो उसके बाद एक ट्राइंगल ये हो गया तीन तीन ट्राइंगल हो गए उसके बाद आपने इन दोनों को मिलाया और कितने हो गए हमारे चार ट्रैंगल हो गए तो इसमें टोटल हमारे ट्रैंगल कितने हो गए इसमें हमारे चार ट्रैंगल हो गए बात समझ में आई एक दो और उसके बाद एक तीन और एक ये वाला बड़ा वाला कितने हो गए हमारे चार ट्रैंग हो गए ठीक है अब चलते हैं आगे अब जैसा क्वेश्चन ये था सेम इसी में ये क्वेश्चन डाल दिया है ये वाला उठा के इसमें डाल दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया देखिए इसमें क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबरिंग करी तो आपने पहले ये बाहर वाले पे नंबरिंग कर सकते हैं एक दो तीन चार मतलब ये अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको ए, ये इस प्रकार से देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये मैंने बड़े वाले ट्रैंगल में नंबरिंग करी है तो बड़े वाले अगर उसमें देखते हैं तो कितने ट्रैंगल हैं आठ दूनी कितने हो गए सोलह और इसी प्रकार से छोटा वाला एक अंदर बन रहा है तो ठीक है इसमें भी कितने हो जाएंगे सोलह तो ओवरऑल में इतने हो गए बत्तीस ट्रैंगल इसमें हो गए हमारे कितने ट्रैंगल हो गए बत्तीस ट्रैंगल हो गए बात समझ में आई इस प्रकार के फिगर में कुछ नहीं करना है सिंपल आपको मतलब डबल कर देना है जितने भी आपके बन रहे हैं ठीक है नंबरिंग करने के बाद अब आए आप आए इस फिगर में तो ये फिगर अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगती है इसमें आपने नंबरिंग करी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपने नंबरिंग करी अगर हमारा ये ऊपर वाला फिगर अगर हमारा ऊपर वाला फिगर नहीं होता तो इसमें कितने ट्रेंगल हो जाते आठ दूनी सोलह देखिए आठ दूनी सोलह तो सोलह ट्रेंगल हमारे हो जाते हैं लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा एक चीज दिखी ये ट्रेंगल आपको ऊपर दिखा ऊपर दिख रहा है तो आपको करना क्या कुछ नहीं करना है देखिए एक ट्रेंगिल तो ये हो गया ठीक है उसके बाद एक और ट्रेंगल ये हो गया दो हो गए उसके बाद आपने ये गिना एक और तीन ट्रैंगल हो गए उसके बाद आप ये देखिए एक ये बन रहा है कंप्लीट चार उसके बाद आपने ये देखा एक और पांच तो आपने सोलह में पांच और ऐड कर दिया तो 16 में पांच और ऐड कर देंगे तो टोटल 21 ट्रायंगल इसमें कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 21 ट्रायंगल हो गए बात समझ में आई किसी में क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं आपको ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके से आपको बताऊं ताकि आपको काउंट करना भी ट्राइंगल को आना चाहिए देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यह क्वेश्चन है अगर ये फिगर आपको आ जाएगा तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे आप और ट्रिक की जरूरत है भी नहीं आप सिंपल करना है आपको नंबरिंग करनी है वन टू थ्री फोर फाइव इस प्रकार से नंबरिंग करी और सिक्स करना क्या है आपको नंबरिंग करके काउंट करना है आपने ये गिना एक, एक ट्राएंगल तो ये होगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये वाला सेम बिल्कुल रिपीट होता है एक हो गया दो ट्राएंगल हो गए तीन ट्राएंगल हो गए चार ट्राइंगल पांच ट्राएंगल छह ट्रेंगल छह ट्रैगल तो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल आसानी से उसके बाद आपने देखा कि एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो बन रहा है सात कितने ट्रैंगल हो गए सात उसके बाद आपने ये देखा और इस बेस से एक ये ट्रैंगल बन रहा है तो टोटल इसमें कितने हो गए आठ ट्रैंग हो गए हमारे आपको याद रखनी है आठ ट्रेंगिल हमारे हो गए इसमें ठीक है अब आप अब आते हैं इस पर स्टार है ये स्टार बना हुआ है ठीक है स्टार बना हुआ है तो इसमें आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसमें कितने ट्रैंगल तो आप याद रख सकते हैं स्टार में कितने होते हैं दस ट्रैंगल होते हैं हमारे अगर खुला हुआ स्टार है बंद नहीं है तो इसमें दस हैं वो भी हम ट्रिक की हेल्प से या वैसे भी गिन सकते हैं दस हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आप बोलेंगे तो इनको गिन के भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कोई सुनिए अब आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पे अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन है इसको हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं अगर ये यहीं तक चल रहा है मतलब तीन तक चल रहा है या फिर यहाँ तक होता या फिर यहाँ तक होता तो आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते देखिए करना क्या है इनको छोटे वाले को नंबरिंग करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन नंबरिंग गलत कर दिए क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन देखिए ये मैंने सारी नंबरिंग कर दी इस पर नंबरिंग करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको जितने भी हैं इनको डबल करना है जैसे सोलह आ रहे हैं यहां पे तो सोलह में दो की गुणा करेंगे बत्तीस हो जाएगा डबल करने के बाद इसमें से पांच माइनस कर देना है तो कितने बच गए हमारे सत्ताईस बच गए सत्ताईस इसका क्या हो गया आंसर हो गया तो इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी बहुत सारी आकृति भी बनती है इससे छोटी भी बनती है सपोज करो ये वाला फिगर नहीं होता ये नीचे वाला नहीं होता अब इसके ट्रायंगल काउंट करने हैं आपको एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ हो गए तो नौ को दुगुना करेंगे कितना हो गया अठारह अठारह में से कितना गया पांच तो इसमें आगे 13. तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं अगर इतना सत्ताईस के पूछे गए हैं बाकी आप एक तरीका याद रख सकते हैं देखिए ये जो साइड है ना देखिए इधर से काउंट करनी होती है एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो ये कितनी साइड इसमें कितनी सो हो रही है आपको चार सो हो रही है अगर ऐसे 100 हो तो एक ट्रायंगल होगा 200 हो रही है तो पांच होगा 300 हो रही है तो चार तेहरा ट्राएंगल होंगे और 400 हो रही है तो कितने होंगे 27 होंगे और इसी प्रकार से पांच हो जाती तो 48 ट्रायंगल होते हैं ये डायरेक्टली टेबल होती है इसको भी याद कर सकते हैं आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मैंने क्या किया वन टू थ्री और वन टू थ्री वन टू थ्री इसका मतलब यह है कि तीन आपको साइड नजर आ रही है तो तीन पे कितने होते हैं तेहरे और इसी को हम दूसरे तरीका से करना चाहें तो नौ हमारे टोटल छोटे ट्राएंगल हैं नौ का कर डबल करेंगे कितने हो गए नौ दूनी अठारह अठारह में से पाँच गए तब भी तेहरा आ रहा है तो ये रहे दोस्तों आपके ट्राइंगल का नेक्स्ट टाइप अब हमारा ट्राएंगल यहीं खत्म होता है उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्पेस लाइन पे आपको वीडियो कैसी लग रही है आप बताते रहें कमेंट करके और वीडियो को लाइक करते रहें अब चलते हैं देखिए आगे ठीक अभी मैंने आपको बताया ट्रेंगिल काउंट करने अब देखिए अब चलते हैं किस पे स्क्वायर जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं वर्ग वर्ग काउंट करने सिखाऊंगा और भी बहुत सारी मतलब आकृति बन सकती है वर्ग में और रेक्टेंगल में लेकिन मैंने क्या है कि जो मैक्सिमम बन सकती थी मैंने वो आकृति आपके साथ मैंने लिखी हुई है और वन बाई वन बताऊंगा देखिए सबसे पहले वर्ग किस तरीके से हम काउंट करते हैं मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं देखिए जैसे ये एक हमारा वर्ग हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ देखिए अगर आपको वर्ग या किसी भी कोई भी आपका फिगर काउंटिंग का फिगर है तो सबसे पहले आप जो भी आपको दिख रहा है उस पर आप नंबरिंग कर दें तो इस प्रकार से कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ और नौ और एक कितना हो गया बड़ा वाला दस दस हो गया उसके बाद देखिए उसके बाद एक ये बन रहा है कितने हो गए ग्यारह उसके बाद एक ये बन रहा है बारह उसके बाद एक ये हो गया तेरह और उसके बाद एक ये हो गया चौदह इस प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं मतलब जितने भी इसमें इस मतलब स्क्वायर हैं लेकिन अभी मैं आपको क्या करूंगा स्क्वायर और रेक्टेंगल की ट्रेक बताता हूं किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं देखिए करना क्या है आपको मैं बता देता हूं देखिए इधर आएंगे आप करना क्या है आपको ये तीन बाई तीन का फिगर है या तो मतलब एक तो फिगर जो भी बना हुआ होगा इसको हम बोलते हैं रो ये हमारी रो होती है इनको हम कॉलम बोलते हैं कॉलम खड़े नहीं होते हैं ये पिलर्स, जो पिलर्स कॉलम जो अब मतलब मकान बनता है तो उसमें भी बोल देते हैं कि कॉलम खड़ा करना है बीच में तो वो ये जो खड़े होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं तो इसमें क्या है तीन रो हैं और तीन ही हमारे क्या है कॉलम हैं तो या तो फिगर आपको जब भी आएगा एग्जाम में या तो रो और कॉलम दोनों क्या है समान रहेंगे या फिर रो और कॉलम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ये दो प्रकार के क्वेश्चन किस में आते हैं आपको वर्ग में देखने के लिए मिलते हैं देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं आपको यहां पे कर रहा हूं आप सभी यहां पे देखेंगे देखिए मैं इधर आया तो मैंने यहां पे नंबरिंग करी वन टू थ्री और वन टू थ्री इसका मतलब यह है कि तीन हमारे रो हो गए इसमें तीन क्या हो गए कॉलम तो कुछ नहीं करना है रो इंटू कॉलम आपको लिखना है रो इंटू कॉलम क्या करना है आपको लिखना है और उसके बाद कितने आगे हमारे नौ उसके बाद इनको कम करते हुए चलना है वन तक आना है तो फिर आ जाएगा दो गुणा दो कितने हो गए चार उसके बाद एक गुणा एक कितना आ गए एक नौ चार तेरह एक चौदह चौदह क्या आगे हमारे स्क्वायर आगे आई बात समझ में मतलब रो इंटू कॉलम आपको लिखना है और उसके बाद उनको घटते हुए क्रम में नीचे आना है जैसे तीन इंटू तीन था तो कितना आ गया तीन तीन नौ फिर दो पे आए एक कम किया दो इंटू दो चार आ गया फिर एक इंटू एक क्या आ गया हमारा चौदह आ गया उसके बाद आते तो जीरो इंटू जीरो होता है जीरो में किसी भी चीज की गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है तो चौदह ट्रेंगिल आए मैंने चौदह वो आए क्या बोलते हैं स्क्वायर आए है, मैंने स्क्वायर आपको चौदह काउंट करके भी दिखाया ना कैसे आए चौदह ही आए ना अब देखिए इस फिगर पे चलते हैं तो इस फिगर पे जब आप आए तो इस फिगर पे आपने सबसे पहले क्या करी नंबरिंग करी वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें क्या है कि पांच रो है पांच कॉलम है तो जब पांच रो और पांच कॉलम है तो आप उसी तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में आप इनका आंसर निकाल सकते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टू का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं देखिए पाँच गुना पांच है तो आ गया कितना पच्चीस तो एक कम कर दिया चार यहां भी एक कर दिया चार चार चौक कितना हो गया सोलह उसके बाद यहाँ पे एक कम किया तीन और यहाँ भी एक कम किया तीन तीन किया कितने हो गए हमारे नौ समझ में आ रही है ना चीजें आ रही है इनको कम करते हुए बस आना है और कुछ नहीं करना है उसके बाद आए दो इंटू दो तो कितना हो गया हमारा चार उसके बाद एक गुणा एक कितना हो गया हमारा एक आप इनको जोड़ लेंगे सोलह नौ पच्चीस पच्चीस, पच्चीस पच्चास और पच्चीस पचास और पचास और पांच कितना हो गया पचपन तो पचपन हमारे स्क्वायर आगे किस फिगर में क्वेश्चन नंबर टू में तो इसमें कितने आए थे हमारे चौदह और इस वाले में कितने आ गए हमारे पचपन आपको भी निकाल निकाल के बार बार देखने हैं ये जिससे क्या होगा कि आपको चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी कम से कम आपको एक या दो क्वेश्चन अगर आपको फिगर काउंटिंग का मिला तो कोशिश तो यही की है कि 100 परसेंट आपको ऐसा ही सेम फिगर देखने के लिए मिले अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं फिर भी आप उसको मतलब अपने तरीके से उसको नंबरिंग कर करके आप उनको काउंट कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिक फॉलो हो जाएगी तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें क्या था कि ये दोनों क्वेश्चन थे इसमें क्या था रो और कॉलम दोनों समान थे इसमें क्या है देखते हैं यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है करता हूँ मैं नंबरिंग क्या हुआ सही दिख रहा है यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी वन टू थ्री फोर नंबरिंग कर दी आपने इधर नंबरिंग करी वन टू थ्री फोर फाइव नंबरिंग कर दी आपने अब आपने क्या देखा कि भाई इसमें क्या है चार तो हमारे कॉलम है ये क्या है हमारे कॉलम है उसके बाद ये क्या है हमारी रो है एक बार देखना कौन आया भार ये क्या है हमारी रो है और ये क्या है हमारे कॉलम है तो आपको कुछ नहीं करना है जिस प्रकार से आप उसमें कर रहे थे उसी प्रकार से आपको इसमें करना है और मैं आपको बताता हूं बहुत आराम से देखेंगे देखिए जिस जैसे आप उस मतलब क्वेश्चन में कर रहे थे सेम उसी प्रकार से इसमें करना है कुछ नहीं करना है क्या करना है इसमें क्या कर रहे थे रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने एक बार ये डोर बंद कर दो एक बार ये डोर बंद कर दो देखिए कोई सुनिए भाई आ गया था बीच में देखिए अब क्या करना है जैसे सेम उसी प्रकार से देखिए रो कितने थे हमारे यहां पर रो कितने हमारे पांच है और कॉलम कितने हमारे चार हैं क्वेश्चन नंबर थ्री चल रहा है आपका बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है कोई सुनिए वीडियो आपको ऐसी मिलेगी कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें देखिए पांच की चार में गुणा करिए आपने कितना आ गया बीस तो मैंने क्या बोला इनको कम करते आना है मतलब इनको घटाते हुए आएंगे तो पांच से कम किया चार आ गया चार से एक कम किया तीन आ गया चार दिया बारह आ गया उसके बाद आपको चार से एक कम किया तो अपना तीन आ गया तीन से एक कम किया तो दो आ गया तीन दुनी छ आ गया उसके बाद आपने दो लिखा और यहां पे क्या लिख दिया हमारा एक आ गया दो, दो के बाद एक ही आता है तो दो एक कम, दो आ गया अब अगर आप उसके बाद कम करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा? आ जाएगा वन आ जाएगा यहां पे जीरो आ जाएगा तो वन इंटू जीरो जीरो बन जाएगा उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है आप यही इसको खत्म कर देंगे देखिए आई बात समझ में अब आपको दो इंटू दो अब आपको करना है क्या है बस इनको ऐड कर देना है आपने क्या किया बारह और छह अठारह अठारह और दो बीस बीस और बीस कितना हो गया चालीस तो इसका आंसर कितना आ गया चालीस आ गया ये तो वो टाइप के फिगर थे जिसमें रो और कॉलम दोनों समान थे इसमें क्या है रो और कॉलम दोनों समान है लेकिन ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें रो हमारी पांच है कॉलम हमारे चार है तो मैंने वो भी बताया इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर कितना हो गया इसका आंसर हो गया चालीस आई बात समझ में इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं वर्ग निकाल सकते हैं अब देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप वीडियो को रोक के ना आप भी खुद से भी ट्राई किया करें मतलब निकालने की और बाकी सभी को आपको क्या करना है अपनी नोट्स बनानी है बहुत अच्छे से इनको अपनी कॉपी पर लिखना है और दो से तीन बार इनका रिविजन करना है ठीक है अब देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे हम मैंने सबसे पहले नंबरिंग करी वन टू थ्री फोर ये क्या है हमारे कॉलम है वन टू थ्री ये क्या है हमारी रो है कुछ नहीं करना है रो इंटू कॉलम कर लो कॉलम इंटू रो कर लो बात वही है तो तीन इंटू आपने क्या किया चार किया तीन के बाद दो इंटू तीन किया चारिया बारह हो गया तीन दून छ हो गया एक इंटू दो तो दो हो गया आपने ऐड करना है बारह छः अठारह दो बीस तो इसका आंसर कितना आ गया बीस आ गया दोस्तों आई बात समझ में इतना आसान है कि मतलब आप देखते ही बिना पेन उठाए आप ऐसे ही निकाल देंगे कि वन टू वन टू थ्री फोर फाइव इस प्रकार से आप आप बातों ही बातों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है यह भी सेम इसी प्रकार का है मैंने इसमें वर्क काउंट करने के लिए आपसे पूछा है तो इसमें भी वही काम करते हैं सबसे पहले नंबरिंग करनी है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव इस बार क्या किया है कि ये हमारे पांच है ये चार है ये तो सेम ही क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ये तो सेम ही क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें आपको क्या बताना है स्क्वायर चल रहे हैं वर्ग आप बताएंगे देखिए नंबरिंग करिए वन टू थ्री फोर और एक ये बड़ा वाला क्या हो गया फाइव तो एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला कितना है इसमें पांच स्क्वायर हो गए हमारे तो इसकी हेल्प से आप इस फिगर को और इससे भी बड़े फिगर को आप सेकेंडो में सॉल्व कर देंगे करना क्या है कि एक जो ट्रैंग एक जो ये बना होता है हमारा स्क्वायर अगर इसके अंदर प्लस का निशान है तो ये चार हमें क्या देता है चार हमें और स्क्वायर दे देता है देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं तो ये एक बना हुआ है पांच तो इसने दे दिए हमें क्योंकि एक ट्रै ये स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर प्लस का निशान है अब पांच हमें इसने दे दिए और पांच इसने दे दिए टोटल कितने हो गए पंद्रह हो गए आ रही है बात समझ में स्पीड से करना है बहुत अच्छे से चलना है आगे अब देखिए यहां तक रहे ये आपके स्क्वायर के क्वेश्चन स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ट्रैंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं पूरा मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से पूरा आपको समझा दिया है अब आते हैं आगे वर्ग देखते हैं सॉरी अब देखते हैं आयत रेक्टेंगल किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं देखिए इसका भी सेम वही फंडा है इसमें क्या कर रहे थे इसमें घटते हुए मल्ट मल्टीप्लाई करते आ रहे थे इसमें डायरेक्ट कर देते हैं ये वन टू लिखा वन टू लिखा दो रे कितना हो गया तीन हो गया और दो रे कितना, कितना हो गया तीन कुछ नहीं करना है इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है तो नौ इंच का आयत कितने आ गए इसमें नौ आ गए बात समझ में आई करना क्या है जिस प्रकार से नंबरिंग उसमें कर रहे थे इसी प्रकार से नंबरिंग उसमें करनी है इसमें क्या करना है ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है और आपके आयत आ जाएंगे आई बस समझ में अब आते हैं इस फिगर पे इस फिगर पे क्या करना है नंबरिंग करी वन टू थ्री वन टू थ्री आपने जोड़ा तीन दो पाँच और एक छः और इधर भी क्या आ रहा है छ तो आपने छ की गुणा छ में करी कितना आ गया छत्तीस आयत तो इस क्वेश्चन इस का आंसर क्या आ गया छत्तीस आयत इसमें आ गए हमारे कितने आयत आ गए छत्तीस बात समझ में आई तो इस तरीके से आप आयत भी निकाल सकते हैं इनके अब मैं इनको रफ कर देता हूं देखिए एक और क्वेश्चन दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं इनका भी आपसे क्या पूछा है आयत पूछा है अब मैं आपको आयत बताता हूं देखिए उसके बाद सिर्फ इस पर से लाइन रह जाएंगी वो भी अभी बता दूंगा बहुत बस एक फिगर बनाना है और आपको बताना है कुछ नहीं है बहुत आसान सा टॉपिक है फिगर काउंटिंग प्रयास किया है अपना हंड्रेड परसेंट कि आप पूरा ही मतलब इसमें कवर कर लें कुछ भी बचे ना आपको देखिए अब आते हैं इसमें वन टू थ्री फोर वन टू थ्री कुछ नहीं करना है चार तीन सात दो नौ और एक दस तो दस ये हो गए और इनको जोड़ा तीन दो पाँच और एक छः तो दस और छः यहां हमारा है दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई तो दस में छः की गुणा करेंगे दस चिंग कितना हो गया साठ हो गया तो साठ इसका आंसर हो गया आप देखिए कर पा रहे हैं ना बातों बातों में इसको बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करते हैं एक दो तीन तीन चौक बारह बटे दो छः आ गया उसके बाद एक दो तीन चार चार पंजे बीस बटे दो कितना आ गया दस तो दस की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा कुछ नहीं करना वन टू थ्री तीन दो पांच और एक आ गया वन टू थ्री फोर तो चार तीन सात दो नौ और एक दस दस ही आ गया तो दस की छ में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा देखिए किसी भी संख्या का सम निकालना हो जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इनका सभी को सम निकालना है आपको कि इनको जोड़ने के बाद कितना आंसर होगा तो आप इनको जोड़ेंगे नौ में आठ सात इस बहुत समय लग जाएगा करना कुछ नहीं है बड़ी वाली संख्या को पकड़ना है और उससे बड़ी क्या होती है दस और डिवाइड बाई दो तो कितना हो गया दस नाम नब्बे बटे दो तो कितना हो गया दो से पाँच बार पाँच नम में पैंतालीस तो पैंतालीस टोटल जोड़ लेना पैंतालीस आएगा इनका सम तो इस तरीके से भी डायरेक्ट हम सम निकाल सकते हैं बाकी एक फिगर और होता है कि जिसमें हम क्या निकालते हैं जिसमें हम स्पर्श लाइन काउंट करना सीखते हैं तो वो और बता देता हूँ देखिए बने रहेंगे मेरे साथ देखिए फिगर काउंटिंग का ये लास्ट टाइप है और स्टेट लाइन हम इसको बोलते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा हूं यूपी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं इनको मतलब काउंट ही नहीं करते हैं और छोड़ के चले आते हैं और ये सबसे आसान होते हैं ट्रैंग रेक्टेंगल सबसे आसान है ये तो आपको क्या करना है सभी को सब कुछ पढ़ना है कुछ भी छोड़ना नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि रीजनिंग के वो क्वेश्चन आएंगे ये टॉपिक्स आएंगे कुछ भी आ सकता है रीजनिंग बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है पूरा पढ़ना है साठ क्वेश्चन आएंगे आपको अगर उसमें भी आप छोड़ छोड़ के टॉपिक्स पढ़ने लगेंगे मैं आपको सभी टॉपिक्स कराऊंगा कोई भी ये ना सोचे कि ये टॉपिक्स नहीं आएगा जो आएगा ठीक है नहीं आएगा तब भी ठीक है ज्यादा पढ़ लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगा लेकिन अगर आप कम पढ़ लेंगे ना और वही टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा तो आपको क्या करना है सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं अब मैं बताता हूं स्ट्रेट लाइन स्पर्श रेखा आपको काउंट करनी किस तरीके से है एक तरीका बताऊंगा आपको कितना भी डिफिकल्ट डायग्राम आ जाए तो आप उसकी स्पर्श रेखा काउंट कर लेंगे ये वादा है आपसे देखिए सबसे पहले कोई भी आपको फिगर दिखा हुआ है तो आपको क्या करना है तीन तरीके से लाइन काउंट करनी होती है और तीन ही प्रकार की हमारी लाइन ड्रॉ होती हैं तो यहां मैं साइड में बता रहा हूं आपको दिख रहा होगा यहां तक दिख रहा है ना देखिए सबसे पहले ये होती है हमारी हॉरीजेंटल लाइन क्या होती है हमारी हॉरीजेंटल लाइन हम इसको बोलते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद ये क्या होती है हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है हमारी वर्टिकल लाइन होती है तो आपको सबसे पहले हॉरीजेंटल लाइन गिननी है उसके बाद आपको वर्टिकल लाइन गिननी है उसके बाद ये आपकी जो क्रॉस टाइप की जो लाइन होती है इनक लाइन वाली आपको ये गिननी है ये आपको तरीका फॉलो करना है कोई सी भी पहले गिन लीजिए लेकिन उनको तरीके से गिनना है तो उसके बाद क्या करेंगे आप बहुत आसानी से स्पर्श रेखा गिन पाएंगे देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है इसमें आपको स्पर्श इस रेखा बतानी है मैंने क्या बोला आपको हॉरिजेंटल लाइन गिननी है हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको हॉरिजेंटल लाइन हमारी ये होती है जिनको पता नहीं है हॉरिजेंटल लाइन ये होती है वर्टिकल लाइन हमारी ये होती है वर्टिकल मतलब इस तरीके से देखिए तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है सिर्फ कितनी लाइन है दो लाइन है तो आपने दो लिख दिया आसान डायग्राम है ये ना सोचे कि इतना स्लो क्यों बता रहे हैं समझाने की कोशिश की जा रही है आपको हॉरिजेंटल लाइन कितनी है हमारी दो उसके बाद आपने देखा कि इस फिगर में वर्टिकल लाइन कितनी है तो मैंने देखा एक दो तो दो ही क्या है इसमें ये वर्टिकल लाइन है बात समझ में आई उसके बाद एक लाइन हमारी ये है एक लाइन हमारी ये है प्लस दो तो उसके बाद टोटल इसमें स्पर्श इस लाइन कितनी आ गई हमारी छः आ गई छः ही हमारा आंसर है कितना आसान है या नहीं है इस पर से रेखा काउंट करना बहुत आसान है उसके बाद आए आप यहाँ तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है सिंपल जो मैंने बोला है आपसे वो ये करना है सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन एक लाइन तो ये बन रही है दूसरी लाइन ये है तीन चार पांच तो पांच लाइन तो हमारी हॉरिजेंटल होगी उसके बाद आपने देखा एक दो दो लाइन हमारी क्या है वर्टिकल है उसके बाद इधर आए आप एक और एक दो प्लस दो लाइन हमारी ये है तो और तो कोई लाइन बची नहीं है पाँच और दो सात और दो नौ कितनी लाइन होगी हमारी नौ लाइन होगी भाई नौ इस पर रेखा होगी तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं अब कुछ भी आ जाए रेक्टेंगल आ जाए ट्रेंगल आ जाए आपको कुछ भी आ जाए आप काउंट कर सकते हैं ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं अब इसको आपको क्या करना है स्पर्श रेखा काउंट करना है और ये इस पर हाईलाइट लगा लेना भाई ये एग्जाम में कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है और इसको ना स्टूडेंट इस छोड़ के चले आते हैं भाई इसमें पता नहीं कैसे किस तरीके से लाइन गिननी है आज मैं तरीका बता रहा हूँ रामबाण तरीका है ये किसी भी स्पर्श लाइन में फॉलो होगा ये कोई ट्रिक नहीं है ये एक तरीका है देखिए सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन में गिनता हूँ तो एक लाइन हमारी ये हो गई उसके बाद एक लाइन हमारी ये हो गई दो उसके बाद एक लाइन हमारी ये होगी तीन तीन तो क्या होगी हमारी हॉरिजेंटल लाइन तो आपने क्या किया तीन लिख दिया अब आप आगे आए आपने देखा वर्टिकल लाइन कितनी है इस फिगर में आपने क्या किया वर्टिकल लाइन तो एक लाइन तो हमारी ये है वर्टिकल और एक लाइन क्या है हमारी ये है वर्टिकल तो वर्टिकल लाइन कितनी होगी हमारी दो तो आपने कुछ नहीं किया तीन में प्लस दो ये मैं आराम से बता रहा हूं बाकी आप स्पीड से कर लेना अपनी कॉपी में उसके बाद आपको वे देखनी है टेढ़ी मेढी लाइन कितनी है तो एक लाइन तो हमारी ये जा रही है देखिए एक उसके बाद एक लाइन हमारी ये जा रही है दो उसके बाद एक लाइन हमारी ये जा रही है तीन उसके बाद एक ये जा रही है चार उसके बाद एक ये जा रही है पाँच उसके बाद एक ये जा रही है छः तो प्लस छः लाइन हमारी ये होगी तो छह तीन नौ दो कितनी होगी हमारी इसमें ग्यारह इस पर से रेखा होगी भाई आई बात समझ में कोई लाइन ऐसी तो नहीं है जो नहीं बची अगर ऑफलाइन आपका पेपर है ऑफलाइन ही आपका पेपर होगा ठीक है ऑफलाइन होगा तो आप आराम से पेन से ड्रॉ करके आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं अब आए इस फिगर पर इस फिगर पर भी वही जो तरीका आपका चल रहा है वही तरीका इसमें चलेगा देखिए आप अगर रीजनिंग को रट के ना पढ़ोगे ना अगर समझ के पढ़ोगे तो रीजनिंग में आप पूरे में से पूरा भी स्कोर कर सकते हो मेरा मानना तो यह है रीजनिंग को रटना नहीं है समझना है सिर्फ तो एक लाइन हमारी ये होगी उसके बाद एक लाइन हमारी ये होगी दो उसके बाद एक लाइन हमारी ये होगी कितनी तीन तीन लाइन होगी तो तीन आपने देखा हॉरिजेंटल लाइन होगी उसके बाद एक लाइन हमारी, थीन थीन हमारी थीन हो ये होगी एक लाइन हमारी होगी ये क्या है हमारी वर्टिकल लाइन है तो कितनी होगी दो ये होगी तीन और दो कितनी होगी पांच उसके बाद एक लाइन हमारी ये है दो तीन चार पाँच और एक छः छः लाइन हमारी होगी छह तीन नौ दो ग्यारह इसमें भी ग्यारह इस पर रेखा होगी बता देना भाई कोई गलत तो काउंट नहीं कर दिया मैंने हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में गलती तो ये रहा आपका फिगर काउंटिंग का टॉपिक जो कि मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट किया है मास्टर वीडियो है आपकी और आशा करता हूँ कि ये मेरी द्वारा बताई गई सारी बात आपको समझ में आई होगी अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई है ना मैं कमेंट सारी पढ़ता हूँ आपकी कभी आप ये सोचते हो कि सर जी कमेंट नहीं पढ़ते हैं रिप्लाई नहीं करते भाई कमेंट सारी पढ़ता हूँ मैं जो एक कोड था कोडिंग एंड डिकोडिंग का वो मैंने गलत बता दिया था तो वो मैंने देख लिया था वो मेरी गलती थी और आप लोगों ने कमेंट करके भी मुझे बताया तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के मैंने पूरा प्रयास किया है एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूं एग्जाम का बहुत कम समय है इसी प्रकार से रीजनिंग के तरफ हम वन बाई वन वन करके सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा और हाँ टेस्ट आपका बहुत जल्द होने वाला है हो सकता है संडे में हो तो टेस्ट में सभी को जुड़ना है तो दोस्तों आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको फिगर फिगर काउंटिंग की ये वीडियो कैसी लगी मेरी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए अच्छे से पढ़ते रहिए धन्यवाद